हेलो गाइस, नमस्ते। रोशनी की रसोई में आप सबका स्वागत है। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ पनीर दो प्याज़ा की रेसिपी। तो सबसे पहले पनीर लेंगे और पनीर को ऐसे बड़े बड़े टुकड़ों में कट करेंगे। और ये जो रेसिपी है ना, बहुत जल्दी बन जाती है, बिल्कुल भी फटफट नहीं है, आप देखते जाइए। और अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और यहाँ एक बर्तन लेंगे और उसमें डालेंगे रिफाइन ऑयल, और ये जो पनीर है ना उसको अच्छे से फ्राई करेंगे। अगर आपको पनीर फ्राई नहीं करना है तो आप मत करिए, लेकिन जिनको जिनको फ्राई करना अच्छा लगता है, फ्राई किया हुआ पनीर टेस्ट में, तो थोड़ा सा आप पनीर को फ्राई कर सकते हैं। अब ये जो एक कटोरी है उसमें लेंगे, निकाल लेंगे पनीर को। अब इसमें ना तुरंत पानी डाल के इसको रखेंगे ताकि जो पनीर हो एकदम नरम सॉफ्ट बने, नहीं तो पनीर है ना थोड़ा सा हार्ड हो जाता है। इसमें 2 इंच जितना अदरक लेंगे और 1 प्याज और 3 हरा मिर्च और 2 टमाटर लेंगे। इसको बड़े बड़े टुकड़ों में सबको अच्छे से कट करेंगे और 1 चम्मच इसमें जीरा डालेंगे और 1 चम्मच डालेंगे खड़ी धनिया। और ये जो प्याज हमारा टमाटर है इसको अच्छे से डाल के भूनेंगे और इसमें डालेंगे 10 से 12 कली लहसुन। अब जैसे ही मसाला जो अच्छे से भून जाए थोड़ा सा, इसको एक मिक्सी के बर्तन में निकाल लेंगे। और मसाला जो एकदम ठंडा हो जाएगा ना, उसके बाद इसको एक बारीक फाइन पेस्ट बना लेंगे थोड़ा सा पानी ऐड करके। और इधर मैं शिमला मिर्च है वो कट कर रही हूँ, तो 2 मैं यहाँ शिमला मिर्च ली हूँ, उसको पहले से मैं साफ़ करके रख ली हूँ। और इसमें ये शिमला मिर्च है ना, इसको बड़े बड़े कट करेंगे पीस में। ये जो प्याज है ना उसको भी बड़े बड़े पीस में कट करेंगे। और इसको थोड़ा सा बिना, मतलब उसी कढ़ाई में मैं ऑयल और नहीं डाली हूँ, थोड़ा सा इसको सॉटे करेंगे, थोड़ा सा पक जाइए। और ये जो शिमला मिर्च और प्याज है ना, थोड़ा सा कच्चा रहे तो ज़्यादा ही अच्छा है सब्ज़ी में, एकदम से पका दोगे ना तो अच्छा नहीं है। थोड़ा सा देखिए, हल्का से इसको मैं सॉटे की हूँ, भूनी हूँ। और इधर उसी बर्तन में 2 चम्मच के जितना तेल डालेंगे और नमक, हल्दी, मिर्च, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, काली मिर्च पाउडर और 1 चम्मच गरम मसाला। सभी मसालों को अच्छे से डाल के भूनेंगे। और ये जो हमारा पेस्ट है ना मसाले का, उसको भी ऐड कर देंगे। सबको अच्छे से मिक्स करेंगे, भूनेंगे। अब ये जो पनीर है ना, देखिए बहुत सॉफ्ट है, बहुत नरम हो गया है। ऐसे पानी में भिगाने से ना पनीर है वो बहुत नरम नरम बनता है, उसका सब्ज़ी खाने में अच्छा लगता है वो पनीर। और ये जो सब्ज़ियाँ भून के रखे हैं उसको भी ऐड करेंगे। अब सबको अच्छे से मिक्स करेंगे और ऊपर से बारीक कटा हरा धनिया डालेंगे। इसको बनाने में मेरे को 6 से 7 मिनट लगा है, मैं आपको थोड़ा सा फास्ट दिखा रही हूँ, आप आराम से बनाइएगा। लेकिन जैसा वीडियो में मैं बता रही हूँ आपको, सेम वैसे ही बनाइएगा, फिर आपका पनीर दो प्याज़ा रेसिपी है ना बहुत अच्छा लगेगा, घर में सबको बहुत पसंद आएगा। ये देखिए हमारा जो सब्ज़ी है वो बन के दम रेडी हो गया है। अब ऊपर से डालेंगे थोड़ा सा अमूल बटर। अब आप इसको रोटी के साथ खाइए, चावल के साथ खाइए, किसी के साथ भी खाइए, बहुत अच्छा लगेगा। ये देखिए पनीर, मैं इसको अभी रोटी के साथ खा रही हूँ, अभी बहुत गर्म है सब्ज़ी, लेकिन बहुत टेस्टी बना है। और आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, बहुत टेस्टी बना है। बाय।